साथियों, स्कॉर्पियो, उसके बाद आपकी आती है JCB 3RDX, उसके बाद है सोनालिका ट्रैक्टर DI-35। काफ़ी जानदार ये ट्रैक्टर में आता है। सोनालिका एक अलग से अपना एक ट्रैक्टर में उनका भी एक ब्रांड है। काफ़ी अच्छी इसकी पावर भी है ट्रैक्टर में। और उसके बाद आपको जो दिख रही होगी कैट, इसकी क्या बात की जाए, काफ़ी बेहतरीन ये मशीनों में आती है। बड़ी बड़ी साइट वर्किंग साइटों पे ये अक्सर काम करते आपको देखी जाएगी। और माइलेज में मेंटेनेंस काफ़ी अच्छी ये है। उसके बाद फिर से आपको दिखाता हूँ ब्लोरो। ये ब्लोरो स्कॉर्पियो तो महिंद्रा वालों की अलग ही स्पेशल उस टाइम पे बनी हुई चीज़ थी। इनका तो कोई तोड़ ही कभी शायद ही नहीं लगता आ पाएगा। ये देखिए, लुक में बेहतरीन, माइलेज में बेहतरीन, और सबसे बड़ी बात है वर्किंग में बहुत। महिंद्रा की ब्लोरो तो आप ये मान लीजिए जहाँ पे गाड़ी निकलना पॉसिबल नहीं वहाँ पे ये जाती हैं, मैं वहाँ से निकलती हैं, कैसी भी जगह हो, हर जगह से इन्हें आप कैसा भी रास्ता हो वहाँ से आराम से ले जा सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये ब्लोरो, स्पेशली ब्लोरो बहुत ही बेहतरीन कारों में ब्लोरो आती है। दमदार माइलेज, दमदार गाड़ी, शानदार लुक, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन ये ब्लोरो उस टाइम पर अपने टाइम पर थी। इसका आज तक भी कोई तोड़ नहीं है। और आपको फिर से दिखा देता हूँ मशीन JCB कैट वर्सेस JCB 3DX। दोनों ही बेहतरीन लुक। अगर हम बैकहोए की बात कर लें तो काफ़ी अच्छा बैकहोए इनका वर्किंग है। फ्रंट लोडर काफ़ी अच्छा है। और अगर हम फ्रंट की हम लोडर की बात करें तो दोनों का सेम ही है, लगभग 7.1 फीट के आसपास दोनों का ही फ्रंट लोडर है। कैट की भी बात करें तो उसका भी 7.1 है, और JCB 3DX की बात करें तो इसमें भी 7 कुछ ही है। तो काफ़ी अच्छी है, दोनों की शानदार वर्किंग के साथ आपको मिलता है। और जो प्रेशर बोला जाता है, प्रेशर ब्रेकिंग में के मतलब में JCB ही ज़्यादा कामयाब है। 3DX काफ़ी अच्छा प्रेशर इसका होता है और मोस्टली शानदार माइलेज के साथ में इनका वर्किंग स्पीड, लोडिंग करने की कैपेसिटी काफ़ी बेहतरीन है दोनों की। तो इनके बारे में, दोनों कामयाब मशीनें ही आती है। एक JCB में आती है बुल, उसका भी कंपेयर अगर करते हैं तो बुल भी काफ़ी अच्छी मशीनों में आती है। तो मोस्टली अगर बोला जाए तो JCB काफ़ी सभी अच्छी है। आज तक JCB में ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करते हैं पोकलैंड की, तो पोकलैंड में टाटा हिचैची होगी, हमारी हुंडई हो गई, JCB हो गई, और एक दो मशीनें और हैं वो भी काफ़ी अच्छी वर्किंग करती हैं। तो सभी का एक अपना अलग वर्क है, अपना एक अलग स्टैंडर्ड है। पसंद करने वाले की चॉइस JCB भी हो सकती है और आपकी कैट भी हो सकती है। तो वो सभी पे डिपेंड करता है किसको क्या चीज़ अच्छी लग रही है। अगर माना जाए तो बोलते हैं कि JCB में मेंटेनेंस कम है अगर बात करें कैट के मुकाबले। कैट पर मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा है अगर बात की जाए तो, बोलते हैं लोग ऐसा। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए धन्यवाद। जय हिंद।